एक्सक्यूज मी, पांडुरंग सोसाइटी यही है, ब्लॉक नंबर 35? जी हाँ, लेकिन आप, मैंने पहचाना नहीं है आपको। कोई बात नहीं। आप वेरी गुड हाउस, वेरी गुड हाउस। बैठिए ना, बैठिए बैठिए। बात यह है, मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था ललिता देवी ने। ललिता देवी? कौन ललिता देवी? हाँ हाँ, याद आया, ललिता देवी तो मेरी मदर है। नहीं, मेरी लॉयर है। नहीं नहीं, मदर इन लॉ है। आप बड़े नर्वस हो रहे हैं, बड़े हड़बड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आपको घर के काम के लिए एक आदमी चाहिए। अच्छा, तो तुम, मेरा मतलब है आप ही वही नौकर है ना? आप बड़े पुराने ख्यालात की मालूम होती है। देखिए, मैं नौकर नहीं हूँ, आई एम ए डोमेस्टिक हेल्पर। वो तो एक तरह से मैं भी हूँ। वैसे भाई देवे, आपको किस किस्म की डोमेस्टिक हेल्प चाहिए? जी वो रसोई बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना वगैरह वगैरह। देखिए जी, हमारा काम करने का तरीका अलग है। आप गोटे फॉर्म, मैं जैसा बोलूंगा आप वैसे करिए। ये देखिए, आपका नाम क्या है? जी हमारा नाम है मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। मेरा मतलब है पूरा नाम क्या है? जी पूरा, मेरा नाम है सुबोध शर्मा और इनका नाम है निशा शर्मा। आपके बच्चे कितने हैं? तीन बच्चे हैं। दो हैं जी, दो 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 वैसी, एक लड़का एक लड़की। जी शादी हुई है? जी नहीं, कहाँ से, वो तो बच्चे हैं अभी। मैं बच्चों की शादी की बात नहीं कर रहा, आपकी शादी की बात कर रहा हूँ। क्या मतलब है आपका? अब बच्चे हैं तो शादी तो हुई होगी ना? देखिए मैडम अजोर, जो मेरे फॉर्म में लिखा है वैसे ही बोलिए। ओके, अच्छा ये बताइए कि आपके पास कोई टीवी है? हाँ बिल्कुल है, वो देखिए आपके पीछे रखा है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, फर्स्ट क्लास। ओ हेल, ब्लैक एंड व्हाइट? हाँ जी, नहीं कलर लेने वाले हैं हम, इनका बोनस मिलते ही। वेरी गुड, चलो चलो फिर तो चलेगा। अभी मैं आप लोगों के साथ रहूंगा और जो भी काम होगा वो करूंगा। बहुत ही अच्छा हुआ जी, हमें ऐसे ही ना, मेरा मतलब है डोमेस्टिक, क्या कहते हैं, हाँ हेल्पर, डोमेस्टिक हेल्पर की जरूरत थी। जो दिन भर हमारे काम कर सके। जी नहीं, हमारी कंडीशन है, मैं सुबह 7:30 बजे उठूंगा, 7:15 तक ब्रेकफास्ट टीवी देखूंगा, अगर 7:30 बजे मुझे नाश्ता मिल जाए तो मैं नाश्ता भी करूंगा और टीवी भी देखूंगा, और उसके बाद सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक विविध भारतीय व फिल्मी गाने सुनूंगा, ताकि मुझे काम करने का जो है मजा आए, मेरा मूड बन जाए। और रसोई बनाना? करेक्ट, आप ऐसा कीजिएगा कि जो भाजी तरकारी है वो आप काट लीजिएगा, ताकि मुझे रसोई में बड़ा आराम हो जाएगा। चलिए ये भी ठीक है, लेकिन वो नॉन वेजिटेरियन? बिल्कुल, मैं जो है नॉनवेज खाता हूँ, बनाता नहीं हूँ। हाँ ठीक है, ये भी संभाल लेंगे। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए, अपना ही घर है। एक ही बात है, आराम से। और वो कपड़े वगैरह? कपड़े छोटी सी बात है, अपने कपड़े मैं खुद ही धो लेता हूँ, और जो मेरे पार्टी के कपड़े होते हैं मैं लॉन्ड्री में धोता हूँ, और जो साहब के कपड़े मैं खुद ही धो लूंगा। थैंक यू। और मेरे कपड़े? क्या बात कर रही आप, मैं बाल ब्रह्मचारी आदमी हूँ, मैं औरतों के कपड़ों को हाथ नहीं लगाता। अच्छा दूसरी बात, एक मेरी एक और कंडीशन है, मैं 1 से 5 तक सोता हूँ, शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक मैं जॉगिंग करता हूँ, इससे आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस। तो रात पे तो टाइम पे घर आ जाओगे ना? क्या बात कर रही है, मैं तो टाइम पे आ जाऊंगा, क्यों, मैं छाया की जो है मिस्त्री करता हूँ। और रात का खाना कौन बनाएगा? अरे भाई हम लोग आपस में मिल के बनाएंगे, 5 लोग तो है, 25 चपातियाँ बनेंगे और क्या। अरे नहीं नहीं साहब, क्या है हम लोग इतना खाना नहीं खाते। आप लोग सिर्फ 4 लोग हैं, पर हेड एक एक चपाती खाओगे, 4 हो गई, 21 चपातियां मैं खा लूंगा, मैं वैसे ही डाइटिंग कर रहा हूँ। और फिर क्या, खाने के बाद जो आपके बच्चे हैं वो बर्तन मांजेंगे। मेरे बच्चे? मेरे बच्चे ये काम नहीं करेंगे? इसलिए तो आपके बच्चे जो है बिगड़ गए हैं, यही चीज जिंदगी में उनके काम आएगी, आप समझी? नहीं देखिए, क्या है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ताकि मैं उन्हें विदेश भेज सकूं उच्च शिक्षण के लिए। अरे हुजूर, ये तो बड़ी अच्छी बात है, वहाँ जाके यही तो चीज काम आएगी, सारा काम खुद करना होता है, बर्तन खुद साफ करना होगा, कपड़े खुद धोने होंगे, आप समझे? भाई दबी, मेरा कमरा कौन सा है? जी क्या है कि हमारा तो ये फ्लैट है, तो इसमें सिर्फ 2 ही बेडरूम है, एक हम दोनों मियाँ बीवी इस्तेमाल करते हैं और दूसरा बच्चों के लिए। क्या बात कर रहे हैं, आपके बच्चे बाहर रहेंगे इसलिए तो आज परिवार में सुख नहीं है, देयर इज नो जॉइंट फैमिली, आपके बच्चे आपके साथ रहेंगे और मेरा कमरा जो है मेरे पास रहेगा। लेकिन देखिए, वैसे अगर बच्चे गलती से मेरे कमरे में अगर खेलने आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मेरे रेडियो को डिस्टर्ब ना करें, इसलिए आई एम वेरी म्यूजिक कॉन्शियस।
जी वो तो सब ठीक है लेकिन स्पीक 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 यस मैं कह रहा था कि जरा पैसे की बात कर ले। पैसे छोटी बात है, 800 रुपए महीना और साल में एक छुट्टी फॉर गोइंग अब्रॉड। कमाल करते हैं आप। अरे 800 रुपए में आजकल क्या होता है, कम से कम 1500 रुपए। 1500 रुपए? जी हाँ बिल्कुल ठीक, आपको हमें देने पड़ेंगे हमारे घर में काम करने के लिए। आपको?